उत्तर प्रदेश के योगी बाबा की पुलिस हो या फिर प्रशासन, कोई भी अपराध और अपराधी दोनों को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बरेली के फरीदपुर में स्मैकिंग फयाज पर बड़ी कार्यवाही की गई। फरीदपुर के गांव पढ़ेड़ा निवासी स्मैक तस्कर शहीद खां के पार्टनर फयाज निवासी मोहल्ला ऊंचा फरीदपुर की 2.67 करोड़ की संपत्तियों को बुधवार के दिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने सीज कर दिया। दिल्ली के जेल में बंद फयाज के परिजनों की कार्यवाही के दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि पिछले साल फतेहगंज पूर्वी और फरीदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर ग्राम पडेड़ा के प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे और उनके भतीजे राजू को 20 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि शहीद खां उर्फ छोटे की फरीदपुर के ऊंचा मोहल्ले में रहने वाले फयाज के साथ पार्टनरशिप है, जो कि बैटरी फैक्ट्री चलाते हैं। स्मैक तस्कर शहीद खां और फयाज तस्करी का बहुत बड़ा कारोबार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने तस्करी के आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर डीएम के आदेशानुसार फयाज की संपत्ति की जांच कराने के निर्देश दिए गए। जांच के बाद पता चला कि फयाज की मोहल्ला ऊंचा में 4 मंजिला कोठी है। इसके अलावा गौसगंज सराय, ऊंचा इनायतपुर सराय, कस्बा में कृषि भूमि और प्लॉट भी है। उनकी पत्नी शाहिन के नाम मोहल्ला ऊंचा में एक प्लॉट पाया गया। डीएम ने फयाज की संपत्ति का आकलन कराया तो उनकी कुल संपत्ति 2.67 करोड़ पाई गई। डीएम ने आरोपी फयाज की सारी संपत्ति को जब्त करने से पहले नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी, सीओ गौरव सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक हरवीर सिंह, राजस्व विभाग पुलिस टीम की मौजूदगी में ढोल बजवा कर मुनादी करवाई। उसके कुछ देर बाद पुलिस ने पूरे परिवार की महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर निकाल कर कोठी को सीज करा दिया। इस बड़ी कार्यवाही में जिले के माफियाओं में दहशत है।